हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अमित तलडा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। दोस्तों, ICSI का लेटेस्ट अपडेट मैं आपके लिए लाया हूं, ठीक है। अब भी आया है, आज ही। तो क्या है अपडेट सर? तो इंस्टीट्यूट देखो आपके लिए बहुत ज़्यादा परवाह कर रहा है और काफ़ी सारी चीज़ें बिना मांगे ही दे रहा है, ठीक है। तो हम सोच ही रहे थे कि इंस्टीट्यूट से प्री टेस्ट का और ओरिएंटेशन का रिलैक्सेशन मांगेंगे, और इंस्टीट्यूट ने पहले ही आपकी बात सुन ली है, समझ ली है और अनाउंस भी कर दी है, ठीक है। तो क्या अनाउंसमेंट है? ये प्योरली न्यू सिलेबस के स्टूडेंट्स के लिए है, न्यू सिलेबस एग्जीक्यूटिव एंड न्यू सिलेबस प्रोफेशनल, ठीक है। ओल्ड सिलेबस वाले स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, CS फाउंडेशन वालों के लिए भी नहीं है और CS EET के लिए भी नहीं है। प्योरली न्यू सिलेबस एग्जीक्यूटिव एज वेल एज प्रोफेशनल, ठीक है। तो प्री टेस्ट और ओरिएंटेशन जो है, अच्छा ओरिएंटेशन सॉरी अलग अलग है, मैं बता देता हूँ। सॉरी, प्री एग्जाम आपको पता ही है, देखो दिया हुआ है। प्री टेस्ट किसको किसको देना होता है सर? एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल, ठीक है। वो किसको? न्यू वालों को, ठीक है। और ओरिएंटेशन किसको देना होता है? फाउंडेशन और एग्जीक्यूटिव को, ठीक है, ध्यान दो। और वो भी कौन से फाउंडेशन और एग्जीक्यूटिव वाले? जो 1 जून 2019 के बाद रजिस्टर हुए हैं अंडर फाउंडेशन और अंडर एग्जीक्यूटिव, ठीक है। CSET में दोनों अप्लाई नहीं होते, ना प्री टेस्ट और ना वन डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम, ठीक है। तो एप्लीकेबिलिटी आपको समझ में आ गई। तो इनका नॉर्मली डेट होता है कि एग्जाम फॉर्म भरने से पहले आपको ये प्री एग्जाम क्लियर करना होता है, और वन डे ओरिएंटेशन तो पूछो मत, रजिस्ट्रेशन के 15 दिन के अंदर करना होता है, पर आजकल थोड़ा डिले चल रहा है, ठीक है, बिकॉज ऑफ COVID-19। तो रिलैक्सेशन क्या है, ठीक है, जून के लिए ही, जून 2020 एग्जाम के लिए आपको पता होगा कि वो अगस्त में हुआ था, तो प्री टेस्ट की भी डेट अगस्त तक एक्सटेंड हुई थी, ठीक है। दिसंबर के लिए कुछ बोला हुआ नहीं था, ठीक है, दिसंबर के लिए कुछ नहीं बोला हुआ था। तो टेंटेटिव दिसंबर का डेट था 9th अक्टूबर, लास्ट डेट जो फॉर्म भरने की होती है दिसंबर की, वो क्या है? 9th अक्टूबर। और अलग अलग फॉर्म की डेट से मैंने आपको अलग से पूरा वीडियो रिकॉर्ड करके दिया है, जिन्होंने पहले ही फॉर्म भरा हुआ था उनका डेट अलग है, जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है डायरेक्ट दिसंबर का फॉर्म भरना है उनका डेट अलग है। तो डेट्स अगर आपको पता करने हैं तो वीडियो ऑलरेडी दिया हुआ है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी उसके लिंक दे दूंगा, अगर आप अवेयर नहीं हो तो पहले आप वो देख लो, ठीक है। तो क्या है, टेम्प्ररी रिलैक्सेशन दिया है, स्टूडेंट्स आर टेम्प्ररी अलाउड टू एनरोल देमसेल्फ फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ डिसेंबर सेशन विदाउट कंप्लाइंग द सेड टू रिक्विजिट्स, ठीक है, ओरिएंटेशन एंड प्री एग्जाम, ठीक है। बट एग्जाम नहीं है, कुछ लोग खुश हो जाते हैं, अरे वाह रिलैक्सेशन देना ही नहीं है, ऐसा नहीं है, सिर्फ डेट बढ़ाई है आगे, एग्जम्पशन वगैरह कुछ नहीं दिया है, देना अभी भी है। तो काफी लोग मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं बिना नोटिफिकेशन पढ़े, ऐसा मैंने देखा है काफी जगह, ठीक है। तो सिर्फ डेट आपकी रिलैक्स की गई है। सच स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू कॉम्प्लाई विद द सेड रिक्विजिट्स ऑन और बिफोर 20th नवंबर 2020, ठीक है। 20th नवंबर तक आपको डेट है, जो आपको पता ही होगा कि एग्जाम फॉर्म का ही डेट है वो, ठीक है। तो देख लेना आप डेट्स का वीडियो देख लेना अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो, ठीक है। स्टूडेंट्स एनरोल फॉर एग्जामिनेशन जून 20, ठीक है, जून 20 जिन्होंने भरा था, ठीक है, आर ऑल्सो अलाउड, ठीक है, जिन्होंने ऑलरेडी फॉर्म भरा हुआ है, मतलब जिनका 31st अगस्त लास्ट डेट था। आई होप अगर आप जून एग्जाम वाले हो तो आपको पता ही होगा कि प्री एग्जाम का डेट एक्सटेंड हुआ था, 31st अगस्त था, पर वो जून या अगस्त एग्जाम के लिए था, दिसंबर के लिए नहीं था, ठीक है। तो आपके लिए भी डेट एक्सटेंड की गई है, और आप भी अगर आपने नहीं दी होगी, देखो प्री एग्जाम वन टाइम होती है, वन डे ओरिएंटेशन भी वन टाइम है, अगर आप ऑलरेडी कर चुके हो तो ये पूरा अनाउंसमेंट आपके लिए कोई काम का नहीं है। प्री एग्जाम एक ही बार देनी होती है, फर्स्ट अटेम्प्ट जो आपका होता है उसमें देनी होती है, उसके बाद बार बार आपको नहीं देनी होती है। एक बार अगर आप पास कर चुके हो प्री एग्जाम तो आपको फिर से नहीं देना है, ठीक है। तो अगर जिन्होंने अभी भी नहीं दिया था, ठीक है, रिलैक्सेशन एक्चुअली किसके लिए, जिन्होंने अभी भी नहीं दिया प्री एग्जाम, अभी तक क्लियर नहीं किया हुआ, वो जून वाले थे उन्होंने अभी तक क्लियर नहीं किया, या जिनका पहला अटेम्प्ट दिसंबर में है और अभी तक क्लियर नहीं किया है, उन लोगों के लिए ये डेट्स हैं, ठीक है। 20th नवंबर, ऑन और बिफोर 20th नवंबर इफ नॉट कंप्लाइड अर्लियर, ठीक है। तो ये रिलैक्सेशन पुराने बच्चों को भी दिया हुआ है कि जो जून वाले हैं उन्होंने अगस्त तक की डेट थी नहीं किया है, अभी भी वो कर सकते हैं दिसंबर के लिए, 20th नवंबर तक आप कर सकते हो, ठीक है। इन केस स्टूडेंट्स आर अनेबल टू कंप्लाई विद द रिक्वेस्ट ऑफ प्री एग्जाम एंड वन डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम ऑन और बिफोर 20th नवंबर, ठीक है, काफी लोग इसको लाइटली लेते हैं ना, उसके लिए दिया हुआ है देखो, देयर एग्जामिनेशन एनरोलमेंट रिक्वेस्ट शैल बी रिजेक्टेड। तो मजाक मस्ती इसमें नहीं चलेगी, नहीं पास किया आपका एग्जाम फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आप एग्जाम नहीं दे पाओगे, दे भी दिया क्योंकि इंस्टीट्यूट ने कैंसिल नहीं किया तो आपका रिजल्ट विथहेल्ड हो जाएगा। तो खुश होने की जरूरत नहीं, सर मैं तो एग्जाम में गया,
मेरा एडमिट कार्ड भी आ गया था, मैं आके दे गया, अब तो इंस्टीट्यूट को रिजल्ट देना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं होता, आपका रिजल्ट भी विथहेल्ड किया जा सकता है, इन स्पाइट ऑफ कि आपको एडमिट कार्ड मिल गया, आप एग्जाम तक भी चले गए तो भी वो रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, रेट्रोस्पेक्टिव भी रिजेक्ट होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो रिजेक्ट होगा, आप एग्जाम पे बैठो नहीं बैठो, वैसे तो एडमिट कार्ड इशू होना ही नहीं चाहिए, इतना इंस्टीट्यूट का मैकेनिज्म होना चाहिए कि उनको एडमिट कार्ड इशू ना हो, हो भी गया गलती से तो वो बैठ भी गया एग्जाम में तो उनका रिजल्ट कैंसिल किया जाएगा। ठीक है, तो खुश होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। एंड 50% ऑफ द एग्जाम फी रेमिटेड बाय देम शैल बी रिफंडेड। ठीक है, एग्जाम में आप नहीं बैठोगे ऐसा सोच के आपको 50% रिफंड होगा और 50% का फी आपका फॉरफिट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, विदाउट क्रिएटिंग एनी प्रीसीडेंट, मतलब हर अटेम्प्ट में नहीं मांगना, कोविड स्पेशल है, कोविड और जो भी लॉकडाउन और जो भी पेंडेमिक के वजह से जितना भी प्रॉब्लम हुआ है सबको, उनके वजह से रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, तो अज्यूम नहीं करना है इसको, एज अ प्रीसीडेंट नहीं लेना है। ठीक है, हर बार नहीं बोलना है। तो ये था सर अपडेट, 20th नवंबर, मतलब आपको याद रखना है, 20th नवंबर आपको याद रखना है। ठीक है, थैंक यू सो मच।